हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है और जैसे ही इस मटके को धक्का दिया गया ये सीधा आगे चला गया, नॉर्मल व्यवहार कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए था। रुको जरा, क्लोजअप में दिखाता हूँ। शराफत से शैतानी, ये क्या हुआ? मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस मटके और इस टेबल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा। पर क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। क्या आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली नदियाँ सीधे हाथ की तरफ जमीन की कटाई करती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में यही कटाई उल्टे हाथ की तरफ होती है। ऐसा क्यों? हवा में उड़ता हुआ एयरप्लेन जब लंबी दूरी तय करता है तो लगातार उसके रास्ते को ठीक करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधे हाथ की तरफ अपने आप ही भटकना शुरू कर देता है। ये सूडो फोर्स कहाँ से पैदा हुई? सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं? लगातार डायरेक्शन बदल रहा ये कारण काफी नहीं है? कहानी कुछ और ही है। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। भाई साहब, ये जो गाड़ी है जिस पर ये खंभा लगा हुआ है, इसे कुछ पल के लिए अपनी धरती मान लो। अब देखो, इस खंभे के ऊपर एक लोहे की गेंद है। फर्ज करो कि हमारी धरती एक जगह रुकी हुई है, तो जब ये गेंद गिरेगी बिल्कुल सीधा नीचे आके गिरेगी। ठीक है जी, एक ही फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटी, और उसने इसे नीचे खींच लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा धरती को चला देते हैं। अब क्या हुआ? अभी भी वही हुआ जो पहले हुआ था, यानी गेंद सीधा नीचे गिर गई। अब अगर यही घटना कोई एलियन मंगल ग्रह से बैठकर देख रहा हो तो उसे क्या दिखाई देगा? तो जनाब, उसे दिखाई देगा ये कि बॉल सीधी नीचे नहीं गिरी, बल्कि उसने पैराबोलिक रास्ता अपना लिया है, जबकि आपके नजरिए से गेंद बिल्कुल सीधा नीचे गिरी थी। अब इस एक्सपेरिमेंट से साबित क्या होता है? देखो भैया, धरती पर रहकर उछलोगे तो वहीं आकर गिरोगे जहां से आप उछले थे। धरती आपके नीचे से ना निकलने वाली। न्यूटन चचा का लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होगा और ये कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह से भी देखा जाए जिसे ये पता है कि धरती घूम रही है, उसके हिसाब से भी फिजिक्स के सारे फंडामेंटल नियम लागू होंगे, क्योंकि बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए इस गेंद के ऊपर दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो ग्रेविटी जो इसे नीचे खींच रही है, और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन जिसमें ये आगे बढ़ रही है। यानी बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए भी न्यूटन चचा के नियम बराबर फॉलो हो रहे हैं। अब एक बार इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? इस बार गेंद वहाँ क्यों नहीं गिरी जहाँ पहले गिर रही थी? तो जी, उसका कारण ये है कि इस बार आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी पर नहीं चल रही थी, बल्कि लगातार उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा रहा था। ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आप कहोगे, भैया हमने तो सुना है कि न्यूटन चचा ये कहकर गए थे कि बिना फोर्स लगाए किसी चीज का डायरेक्शन तो बदलेगा ना, क्योंकि ना तो वेलोसिटी और ना एक्सेलरेशन, ये फोर्स तो होते ना है और बिना फोर्स के डायरेक्शन ना बदलता। अब इस गेंद पर जहाँ तक हमें पता है एक ही फोर्स लग रही है, मतलब हमारे फ्रेम में, तो पीछे जाने के लिए यानी कि अपनी दिशा बदलने के लिए इसे एक और फोर्स चाहिए, तभी तो दिशा बदलेगी। लेकिन वो फोर्स है कहाँ? कहाँ से आई? हाँ जी, है ही नहीं। सच्चाई तो यही है, इसी को सूडो फोर्स कहते हैं, और सूडो फोर्स का जन्म एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होता है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें गाड़ी की रफ्तार बदल नहीं रही थी, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही थी, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो न्यूटन के नियम लागू हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हम एक्सेलरेटेड मोशन में गए, न्यूटन के नियम फेल हो गए, और इसीलिए इस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे। बोले तो उछलते समय धरती के नीचे से निकलने के लिए धरती का एक्सेलरेशन होना जरूरी है। अब यहां से ये बात भी साबित होती है कि भैया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में धरती पर खड़े होकर हम ये नहीं बता सकते कि हमारी धरती घूम रही है या एक जगह रुकी हुई है। अब जरा ये सोचो कि आप जहाँ पर भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपको पता लग रहा है कि हमारी धरती सूरज का चक्कर लगा रही है इस टाइम? हाँ जी, नहीं पता लग रहा, क्योंकि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो जहाँ न्यूटन के नियम लागू हो रहे हैं। यही कारण है कि हमें पता नहीं लगता कि धरती चल रही है या एक जगह रुकी हुई है। अब आप मेरे से एक और सवाल पूछोगे, कैसे बातें कर रहे हो भैया, हमारी किताब में एक्सेलरेटेड मोशन में भी न्यूटन के नियम लागू होते हैं? क्या अब तक हमारा पागल बनाया जा रहा था या हमें गलत पढ़ाया जा रहा था? तो महाराज, यहाँ एक झोल है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, ये एक फंडामेंटल नियम है। लेकिन इंसानी दिमाग तो खुराफाती होता है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए हमने सूडो फोर्स पैदा कर दी, और जब सूडो फोर्स आ जाएगी तब नॉन
नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन के नियम लागू हो जाएंगे। तो जब भी कभी आप अपनी किताब में कोई ऐसा न्यूमेरिकल पढ़ो जहाँ पे सूडो फोर्स आ जाए, तो समझ जाना ये जानबूझकर घुसाई गई है ताकि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि अगर सूडो फोर्स नहीं लोगे तो भाई साहब चाहे न्यूटन खुद ही क्यों ना आ जाए, सवाल सॉल्व ना होगा। अब जो यहाँ से मोटी मोटी तीन चार चीजें पता लगी हैं, वो है ये कि कांस्टेंट वेलोसिटी के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, न्यूटन के नियम लागू होंगे, और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, जहाँ न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर करने हैं तो सूडो फोर्स घुसा दो, न्यूटन के नियम लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, और वो है ये कि जी हमारी धरती तो गोल गोल चक्कर लगाती है, मतलब अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूरज का भी चक्कर लगाती है, और हमने सुना है कि जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये हो गया कि न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे। तो जब धरती खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो धरती पर न्यूटन के नियम कैसे लागू हो रहे हैं? मतलब जो गेंद हमें सीधी गिरती हुई दिखाई दी थी न्यूटन के नियम की वजह से, वैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धरती तो खुद ही एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब ये क्या घोटाला है? देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी धरती एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, लेकिन फिर भी न्यूटन के नियम लागू हो रहे हैं, बिना सूडो फोर्स के हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि सूडो फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन ना के बराबर हो जाए तो सूडो फोर्स भी इतनी छोटी होगी जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। और यही काम धरती के साथ हो रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए भी इस पर पैदा होने वाली सूडो फोर्स इतनी छोटी है कि हमें उन्हें लेना ही नहीं पड़ रहा, कंसीडर ही नहीं कर रहे। बस यही कारण है कि सर्कुलर मोशन में भी होते हुए धरती पर न्यूटन के नियम लागू हो रहे हैं। और भैया अगर किसी को वो कैलकुलेशन चाहिए जिसमें ये निकाला गया है कि एक्सेलरेटेड मोशन में होते हुए कितनी सूडो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कितनी छोटी सूडो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो गुगली बाबा के पास जाओ, अर्जी लगाओ, आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब अपने अंकल जी ने इस मटके को धक्का दे दिया, ठीक है जी, दूसरे अंकल ने भी धक्का दे दिया, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। अब जरा दोबारा देखो, रफ्तार पर गौर करना, जब ये मटका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो आपको ऐसा लगा होगा कि इसकी रफ्तार कम हो गई। क्या इसे धीरे से धक्का दिया गया था? नहीं, बल्कि कहानी कुछ और है। ये सारा चक्कर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जब पहली बार आपने देखा तब आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मटका था, लेकिन जब आपने दूसरी बार देखा तब आप एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, यानी कि एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसीलिए अगर 50 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती हुई ट्रेन में आप 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ोगे तो बाहर खड़े हुए व्यक्ति को आपके आगे बढ़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी, यानी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। और अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती हुई ट्रेन में उल्टी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ोगे तो आपकी नेट वेलोसिटी बाहर खड़े हुए व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी, यानी वेलोसिटी माइनस हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीजें एक एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों होती हैं और कब होती हैं। अब अपने अंकल जी ने दोबारा से मटके को धक्का दे दिया, लेकिन इस बार ये सीधा नहीं गया, गोल घूमने लगा। अब ये नई बीमारी क्या है? अब देखो, अगर हम इनर्शिया के नियम पर विश्वास करते हैं तो जाहिर सी बात है इस मटके की डायरेक्शन को बदलने के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूर होनी चाहिए, बिना फोर्स के इसकी दिशा नहीं बदलेगी। अभी तक हमने इस घटना को इस टेबल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा था, लेकिन जरा अब इस घटना को धरती के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब भैया जैसे ही हमने धरती के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस घटना को देखा, हमें ये पता लगा कि टेबल तो सर्कुलर मोशन कर रही है, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स काम करती है। लेकिन अगर इस घटना को इस मटके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो ये अभी भी सीधी दिशा में चलना चाहिए, और बात बिल्कुल सही है। ये देखो, ये मटका सीधी लाइन को ही फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कल को हमें ये साबित करना पड़ जाए कि भैया इस फोर्स के दर्शन कराओ, मतलब कैसे साबित करोगे कि यहाँ कोई सूडो फोर्स काम कर रही है, तो देखो ये तो बड़ा आसान है। एक रबर बैंड लो, इस मटके में अटका दो, और एक पेन की सहायता से इस मटके को एक जगह रोकने की कोशिश करो, और जैसे ही टेबल दोबारा घूमेगी तब आप देख पाओगे कि रबर बैंड खिंच गया। अब रबर बैंड तो तभी खींचेगा जब कोई फोर्स लग रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस मटके को एक जगह रखने के लिए हमने एक फोर्स लगाई। अच्छा, अगर हम इस फोर्स को हटा दें तो क्या होगा? ये देखो, ये साइड में निकल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक फोर्स पहले से ही काम कर रही थी, जिसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में हमने एक फोर्स लगाई थी। जैसे ही हमने अपनी फोर्स हटाई तो जो पहले से ही इस पे फोर्स लग रही थी उसने इसे घुमा दिया, और वही थी
जूडो फोर्स। वैसे हमने इस फोर्स का नामकरण भी किया है, इसका नाम है कोरियोलिस फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, और यही फोर्स वो कारण है जिसकी वजह से एयरप्लेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ अपने आप डिफ्लेक्ट होते हैं, उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। इसी फोर्स की वजह से एक बार मिसाइल छोड़ने के बाद लगातार उसके रास्ते को ठीक किया जाता है, नहीं तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगी, और यही फोर्स वो कारण है जिसकी वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बहती हुई नदियाँ अलग अलग किनारों को काटती हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस से धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो उसे कोरियोलिस फोर्स का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा। अब भैया धरती पर बैठ के ये कैसे पता लगाएं कि हमारी धरती घूम रही है? बड़ा आसान है, एक फुकोल्ट पेंडुलम लो और जिस टेबल पर आपने उसे लगाया है उसे घुमाना शुरू कर दो। अब जाहिर सी बात है ये तो हम जान चुके हैं कि अगर कोई चीज घूमेगी तो सूडो फोर्स लगेगी, और अगर सूडो फोर्स लगेगी तो दिशा बदलेगी। तो अगर धरती घूम रही है तो इस पेंडुलम की दिशा बदलनी चाहिए, और देख लो दिशा बदल गई, क्योंकि अगर धरती घूम नहीं रही होती तो ये पेंडुलम दिशा नहीं बदलता क्योंकि सूडो फोर्स नहीं लगती। अब देखो पानी पर ये फोर्स कैसे असर डालती है वो इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जब इस पानी की पिचकारी को हमने घुमाया तो ये सीधा आने के बजाय साइड में घूम गया। इसी कारण की वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में नदियां अलग अलग किनारों को काटती हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से जब स्नाइपर निशाना लगाते हैं तो उन्हें पहले से ही बंदूक से निकलने वाली गोली पर सूडो फोर्स के असर को कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं तो गोली हर बार निशाना चूकेगी। चलो ये बताता हूँ कि सूडो फोर्स चक्रवात कैसे बनाती है। सुनो ध्यान से, इस सर्कल में दो पॉइंट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जिनकी सेंटर से दूरी अलग अलग है, लेकिन क्योंकि 360 डिग्री घूमने में दोनों पॉइंट ने बराबर समय लिया तो हम ये कह सकते हैं जिसने उस समय में ज्यादा दूरी तय करी उसकी रफ्तार ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब ये निकला कि पॉइंट ए की रफ्तार पॉइंट बी से ज्यादा है। अब इस घूमती हुई धरती को देखो, इक्वेटर सेंटर से दूर है, पोल सेंटर के नजदीक है, मतलब सेंटर पे ही है, तो इक्वेटर की रफ्तार पोल की रफ्तार से ज्यादा ही होगी, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देख लिया। तो इक्वेटर पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार भी ज्यादा होगी इनर्शिया की वजह से। अब मान लो इक्वेटर के नजदीक कोई क्लाउड बना और वो सरक के पोल की तरफ चल दिया। अब भैया क्लाउड तो अपनी ही रफ्तार से चलेगा, लेकिन पोल पर तो हवाओं की रफ्तार धीरे है, इसलिए बादल टेढ़ा रास्ता पकड़ लेगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब रास्ते में उसे एक और बादल मिल गया जो ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन इक्वेटर पर हवाओं की रफ्तार तेज है तो वो भी टेढ़ा रास्ता पकड़ लेगा। अब जब ऐसे दो बादल टकराएंगे या हवाएं टकराएंगी तो वो एक दूसरे का गोल गोल चक्कर लगाने लगेंगी, और ऐसे बनता है चक्रवात। तो जी ये थी एक छोटी सी वीडियो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ काम का जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।